वार्ड नंबर 10 से एमसी चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बालिंदर सिंह बाली ने आज एक चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर आम आदमी पार्टी के चुनाव निशान झाड़ू को वोट डालने की अपील की। इस दौरान वार्ड नंबर 10 से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बालिंदर सिंह बाली ने पत्रकारों से विशेष बातचीत के दौरान कहा कि हम वार्ड नंबर 10 से नौजवानों के लिए एक ओपन जिम की व्यवस्था करेंगे ताकि नौजवान अपना भविष्य उज्जवल बना सके और वो अपने स्वास्थ्य का अच्छे तरीके से ख्याल रख सके। और हम और हमारी आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 10 में सीसीटीवी कैमरे का भी प्रबंध करेंगे ताकि हमारी माताएं बहनें बिना किसी डर के आज़ादी से कहीं भी आ जा सके और जिससे कि कोई अनहोनी घटना ना हो। आगे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 2022 के पंजाब के चुनाव के दौरान अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह पंजाब भर में भी सस्ती बिजली, मुफ्त स्वास्थ्य योजनाएं और सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत को ठीक करके सभी सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल की भांति सभी सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे। ये विचार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बालिंदर सिंह बाली ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता राजनाथ सिंह धुल्ली, पूर्व जिला प्रधान संगरूर अवतार सिंह, लखवंत सिंह, सज्जन सिंह, बलवीर सिंह, बलविंदर सिंह, प्रतपाल सिंह, हरप्रीत गिल, शमशेर सिंह, अमरदीप सिंह धांधरा आदि के अलावा भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। रिपोर्ट बाय अश्वनी भल्ला, समाचार इंडिया न्यूज़, संगरूर, पंजाब। मैं बालिंदर सिंह बाली अमीरबार आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 10 तो आम आदमी पार्टी के चोन निशान झाड़ू तो चोन लड़ रहा हाँ। सारे वार्ड का पूरा साथ है मेरे नाल। मैं अपने वार्ड निवासियों को यकीन दवाना कि मैं आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर अपने वार्ड वासियों वास्ते एक नौजवानों वास्ते एक जिम का प्रबंध करावांगा ता कि जो नौजवान नशियां दी दलदल दे विच धसदे जा रहे ने वह अपने उस नशियां दी दलदल चों बाहर निकल के जिम दे विच जिम दा इस्तेमाल करके अपना जीवन सही तरीके नाल गेमां दे विच ला के सही तरीके नाल अपना जीवन बतीत करन। दूसरा, मेरे वार्ड नंबर 10 दे विच किसी भी जगह ते सीसीटीवी कैमरिया की कोई नहीं। साड़ी वार्ड नंबर 10 दे विच सीसीटीवी कैमरिया का कोई भी प्रबंध नहीं है। असी वार्ड निवासी पार्टी के सहयोग नाल वार्ड नंबर 10 दे विच सीसीटीवी कैमरे लगावांगे तां कि साढ़े महल्ले दियां बीबियां भैणां अते होर महल्ला वासी आजाद तरीके नाल बेखौफ होके घूम फिर सकन ताँ के माड़े आंसरां ते निगाह रखी जा सके। ये मैं महल्ला वासियां नूं वार्ड नंबर 10 दे सारे एरिए दे पतवंते सज्जणां नूं यकीन दिवाउणा कि मैं तुहाडे नाल तुहाडे सहयोग नाल अते पार्टी दे सहयोग नाल सीसीटीवी कैमरे लवावांगा। दूसरी बेनती है कि अपने पार्क का बहुत बुरा हाल है। पार्क दे विच कोई सहूलत नहीं, गऊं आवारा गऊं घूमदियां ने। सब तो पहल दे आधार ते महल्ला वासियां दे सहयोग नाल पार्क का भी विकास किया जाएगा ता कि असी दिल्ली सरकार की केजरीवाल सरकार की तर्ज ते जिस तरह दिल्ली दे विच स्कूल सिक्ख्या अते हेल्थ सिस्टम चल रहा है उसे सरकार की तर्ज ते अपने पंजाब दे विच भी सिक्ख्या दा अते हस्पतालां दा पूर्ण प्रबंध करांगे जो कि पिछलियां सरकारां ना अकाली दल ना कांग्रेस ने इस तरह का कोई भी प्रबंध नहीं किया। असी आम आदमी पार्टी के सहयोग नाल अपने 10 नंबर वार्ड के वोटर वासियों नूं यकीन दिवाउने आ कि धूरी दे विच सिक्ख्या अते हेल्थ दा पूर्ण प्रबंध करांगे। तुसी देख रहे हो दिल्ली दे विच केजरीवाल सरकार ने हर एक चीज़ की सहूलत की हुई है। बिजली उत्थे किन्नी सस्ती मिलती है। असी भी महल्ला वासियों नूं ते धूरी वासियों नूं यकीन दिवाउने आ कि तुसी साडा साथ दिओ। अपना इको कीमती वोट झाड़ू दे चोन निशान ते पा के बालिंदर सिंह बाली वार्ड नंबर 10 नूं कामयाब करो ता कि मैं तुहाडी सेवा दे विच हाजिर हो के महल्ला निवासियों का ते धूरी निवासियों का सहयोग कर सकां ते उन्हां दी सेवा कर सकां।
मैं राजवंत सिंह कुली साबका जिला प्रधान आम आदमी पार्टी अज असी वार्ड नंबर 10 जिथे साढ़े बहुत ही ईमानदार लोगों के सेवादार हर टाइम लोगों की सेवा करने वाले बालिंदर सिंह बाली जी जो साढ़े आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने वार्ड नंबर 10 के चोन लड़ रहे हैं। इस तरह ही पूरे शहर के साढ़े 16 उम्मीदवार साढ़े निशान से लड़ रहे हैं। 5 उम्मीदवार असी जिहड़े चंगे उम्मीद सोच रखने वाले आजाद उम्मीदवारों की मदद कर रहे हैं। सो मैं शहर निवासियों को बेनती करदा कि आओ आपां एक ईमानदार कमेटी बना के जो शहर का विकास का अधूरा पिया काम है वो करवा सकीए। नाल ही शहर निवासियों को यकीन दिवाने अगर तुम आम आदमी पार्टी की कमेटी बनाने हो ईमानदार कमेटी बनाने तो थोड़े नाल असी वचनबद्ध हाँ कि असी थोड़े शहर दे विच एक कमेटी वालों डिस्पेंसरी जितों गरीब लोगों को फ्री दवाइया दित्तियां जाणगियां एक प्लस टू का स्कूल बनाया जाऊगा जिते गरीब लोगों के बच्चे पढ़नगे और दूसरा जो अधूरा विकास पिया है उन्हों पूरा किया जाऊगा क्योंकि शहर दे विच अज ना सरकारी हस्पताल ना सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। कोई शहर च स्टेडियम भी है नहीं इत्थे धूरी दे विच अज तक दीआं पार्टियां ने बच्चों के खेडन का कोई योग प्रबंध नहीं किया। वह भी असी यकीन दवाने शहर निवासियों के कोई अच्छे स्टेडियम का प्रबंध करके क्योंकि जो साढ़े नौजवानों नशिया तो बचाया जा सके इन दो पार्टियां ने नशिया तो दो बच्चों साढ़े नौजवानों को बचाना की सी नशिया ते लाया है। सो दोए सरकार बुरी तरह फेल हुई ने धूरी के विकास लिए अज सड़कों का बुरा हाल है नालियों का बुरा हाल है सीवरेज का बुरा हाल है। रात असी एक कलोनी च 20 नंबर वार्ड की कलोनी के जाके आए जिथे अज तक गरीब लोग रेंदे ने अपने बरनाला रोड के नेड़े उस बस्ती दे विच ना कोई पानी की निकासी है ना गरीब लोगों की उत्थे धर्मशाला अधूरी पई है। इस तरह की गिनाई है क्योंकि पूरे देश पूरे शहर का अधूरा विकास है। इन्होंने लोगों ने दोए पार्टियां ने अपने परिवारों के विकास किए ने और धूरी शहर का सत्यानाश किया है। असी वचनबद्ध हाँ आम आदमी पार्टी देखो तुहानू ईमानदार कमेटी बना के जिहड़ी इत्थे रिश्वत चलती है जिहड़े इत्थे कमीशन ले जाते हैं सरकारी ग्रांटा जो ये सारा कुछ असी बंद करावांगे। आम आदमी पार्टी इसकी पूरी